शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि उद्धव और पार्टी के कई नेता बीजेपी और एमएनएस के बीच बढ़ती नजदीकियों से नाराज हैं। आज होने वाली बैठक में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के भविष्य पर चर्चा हो सकती है। दो दिन पहले ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी कि अपने प्रत्याशी वो बीजेपी के सामने नहीं उतारेगी, लेकिन शिवसेना के सामने जरूर एमएनएस अपने प्रत्याशी उतारेगी। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच खाई गहराती जा रही है। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में दोनों पार्टियों ने विधान परिषद की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दोनों पार्टियों के गठबंधन के बाद यह पहला मौका है जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के मुखपत्र सामना में छपा है कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन बहुत पुराना है और इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं। सामना में लिखा है कि इस गठबंधन को तोड़ने के लिए काफी कोशिशें की गई, लेकिन सब बेकार साबित हुई हैं। लेख में आगे लिखा है कि मोदी को पूरे देश से भारी समर्थन मिल रहा है। कल तक उनके विरोधी रहे दल भी आज मोदी का गुणगान कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को लेकर किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं।